के लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऊपर का बेल अवश्य प्रेस कीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आप आलू और प्याज का बिजनेस किस तरह से होलसेल मार्केट से और होलसेल बिजनेस किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपको कहां से ख़रीदना है। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिए, हम पूरी की पूरी जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों आपको पहले माल कहां से ख़रीदें, तो दोस्तों पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उत्पादन जो राज्य है पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरा कर्नाटक है और तीसरा गुजरात और चौथा राजस्थान। तो इन राज्यों में दोस्तों प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ होती है। तो यहाँ से आपको दोस्तों और दोस्तों अलग अलग समय पर इसकी जो पैदावार है राज्यों पर अलग अलग समय में होती रहती है। तो आपको ख़रीदना कैसे है और किस तरह से क्या करना है, वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिए। अब पूरी डिटेल के साथ हमने इस वीडियो को बनाया है, जानकारी प्रॉफिट मार्जिन और किस तरह से आप फ़ायदा और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्याज से ज़्यादा मुनाफा आप कैसे कमा सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अगर आप चाहें तो प्याज आप डायरेक्ट किसान से ख़रीद के और ख़ुद के कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि उस समय तो रेट कम होगा सीजन में, लेकिन जब सीजन थोड़ा सा आउट ऑफ थोड़ा सा निकल जाता है तो उसके बाद वही प्याज आपका दोस्तों काफ़ी महंगे रेट में बिकता है और इससे आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं किससे, मतलब किस तरीके से ख़रीदना है। दोस्तों ब्रोकर से नहीं ख़रीदना, याद रखिएगा, ब्रोकर से आपको 1-2% का कमीशन उनका रहता है, आपको पता ही है, और वो आपको किसान से कांटेक्ट कराने का परसेंटेज अपना लेते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको डायरेक्ट किसान से माल ख़रीदना है, किसान से। अगर इन चार राज्यों में से अगर आप किसी राज्य में रहते हैं, अगर इस बिज़नेस को होलसेल बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको किसान से कॉन्टेक्ट करके और डायरेक्ट उनसे ही माल ख़रीदना है, ठीक है। उनसे ही माल ख़रीदने से आपको एकदम सस्ते में माल मिल जाता है, जो कि 2 से या 3 रुपए रेट में आपको मिल जाता है, 2 रुपए से किलो के लमसम में आपको प्याज सीजन में मिल जाता है। उसके बाद आपको दोस्तों ट्रांसपोर्ट से लाना है, उसे ट्रांसपोर्ट से लाकर और अपने कोल्ड स्टोरेज में रखना है। और उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, आपको अपना या तो खुद का गोदाउन भी आप रख सकते हैं, गोदाउन अगर आपके पास है या दुकान है तो उसमें लाके भी आप रख सकते हैं, और थोड़े से इंतज़ार के बाद आप थोड़ा सा महंगे उसे बड़े आराम से बेच सकते हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों प्रॉफिट और मार्जिन के बारे में। तो दोस्तों प्रॉफिट और मार्जिन, इसमें आपको 2-3 रुपये किलो के हिसाब से आप प्याज ला सकते हैं, और उसके बाद इसमें प्रॉफिट दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट से आपको लाना है तो ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको दोस्तों कम से कम 20 टन माल आपको कम से कम लाना है। 20 टन का माल दोस्तों अगर आप, अगर मान लीजिए किलोमीटर के हिसाब से ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है दोस्तों, 60 से 70 हज़ार रुपये के लमसम इसका प्रोसेसिंग चार्जेस पड़ जाता है। और ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा निकालने के बाद अगर मान लीजिए जितने का माल लाए उतना ही आपका ट्रक का भाड़ा हो जा रहा है, तो दोनों मिला के आपको दोस्तों 1-1.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है 20 टन माल अगर आप लाते हैं तो। 20 टन माल का दोस्तों अगर आप चाहें 8 रुपये से 10 रुपये केजी के हिसाब से भी बेचते हैं तो आपका मुनाफा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हो रहा है। मान लीजिए आपको 6 रुपये से 5 रुपये किलो प्याज ट्रांसपोर्ट चार्ज लेकर पड़ा, 5 रुपये किलो, ठीक है, और 5 रुपये में आप ख़रीद के लाते हैं, अगर मान लीजिए 8 या 10 रुपये में सेल करते हैं, तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा लीजिए आपका कितना बचत होता है, आप लाखों रुपये कमा सकते हैं, कितना लाखों रुपये। और दोस्तों इस दुकान को और इस बिज़नेस को, होलसेल बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको कुछ आइडियाज़ बताऊंगा किस तरह से आप कर सकते हैं। और दोस्तों दुकान गोदाम के साथ आपको दोस्तों जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। ये अनिवार्य इसलिए है कि कानून और कायदे के हिसाब से ही हमें चलना है, क्योंकि कानून और कायदे के हिसाब से चलना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आप जीएसटी नंबर के साथ जा सकते हैं और उसके बाद आप दूर दूर से होलसेल में और होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आलू और प्याज का। इसी तरीके से दोस्तों आलू प्याज का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। 1-1.5 लाख रुपए में माल लाते हैं तो मान लीजिए आपका अगर डबल भी हो जाता है, मान लीजिए 1.5 लाख का माल आपने लाया और एक ही महीने में अगर मान लीजिए वो माल आपका अगर 2 लाख में बिक जाता है तो भी आपका 50,000 रुपये का मतलब मुनाफा सीधा सीधा हो जा रहा है। और दोस्तों आपको एक ही खर्चा पड़ता है कि जब मान लीजिए आप ट्रक से माल लाते हैं तो आपको लेबर्स रखना पड़ेंगे, कम से कम 4 से 6 लेबर आपको रेगुलर नहीं रखना है, आपको कोई 4-6 लेबर पकड़ के उसे खाली करवा लेना है, उनका जो भी चार्जेस होता है 2000 या 1500 में आपका ट्रक खाली हो जाता है, उसके बाद आपका माल आपके स्टोरेज में रख सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप होलसेल बिजनेस कर सकते हैं।